सो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसकी इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा चैप्टर का नेम ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट मींस हमारा जो मेन एम है वो क्या है, हमें एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके अरेंज करना है इन अ टेबल, जिससे कि हम उनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू इजीली अरेंज कर सकें और आगे उनको जिस भी फॉर्म में यूज कर सकें। सो लेट अस टेक द डेफिनेशन। अ पीरियोडिक टेबल मे बी डिफाइंड एज द टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, एक ऐसी टेबल गिविंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स। इट मींस वो टेबल जो हमको एक अरेंजमेंट दे रही है, किसकी, उन सभी एलिमेंट्स की, ऑल द नोन एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स को अभी इस समय में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि वी नो अबाउट 118 एलिमेंट्स एट दिस टाइम। अभी हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। सो जो हमारा मेन मोटिव है तो वो क्या करना है, वी हैव टू अरेंज दीज एलिमेंट्स एज पर देयर प्रॉपर्टीज। ओके, सो अगर हम इन 118 एलिमेंट्स को, जो कि हम इस टाइम में जानते हैं, विच आर नोन एट दिस टाइम, इनको अरेंज कर पाए किसी एक पर्टिकुलर टेबल में, और वो भी किस बेसिस पे, वो बेसिस भी क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अ लॉ, या फिर उसके उसके पीछे हमारा कोई कंडीशन हो कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे से मैच करती हो, उनको हमें सेम रो में रखना है, सेम कॉलम में रखना है, तो क्या उसका बेसिस हो, तो वो सारी बेसिस जो है हमने उसको ध्यान देते हुए एक ऐसी टेबल बनाई जिसको हमने बोला पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वी कैन से दैट सच दैट द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब हमें एक ऐसी टेबल बनानी है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, फॉल विद द सेम वर्टिकल कॉलम, मतलब वो सेम वर्टिकल कॉलम में ही आए, एंड द एलिमेंट्स विद अ डिससिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट से, तो उनको हम सेपरेट करके अलग वर्टिकल कॉलम में रखें। इट मींस हमारा जो मेन मोटिव ये रहा कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स को जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं उनको हम एक ही कॉलम में रखें, और बाकी कुछ एलिमेंट्स को जिनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिफरेंट कॉलम में रखें। इट मींस हमने डिवाइड किया कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकंड, इस टाइप से हमने इनको डिवाइड किया। ओके,